फाइनली इसको डिसाइड करना है कौन एम्पायर्स रहेंगे, वो भी डिसीजन ले ले अपना। अंपायर्स कौन कौन है? नहीं गिरेगा, मैं स्टिल होके बैठा हूं। अंपायर्स फाइनल के लिए प्रशांत भाई, हम वहां से लोगों को भगा रहे हैं, आप वहां बैठने की तैयारी में हो, ठीक है बैठ जाओ, बाद में जब मैच स्टार्ट होगा तब भगाएंगे, ठीक है बैठ जाओ, नो इश्यूज। वी रिक्वेस्ट जिगर भाई एंड नितिन भाई टू चूज योर अंपायर्स। अंपायर्स कौन कौन है? निकुंज, सुशांत एंड गिरीश, ये तीन अंपायर्स होंगे, अंपायरिंग करेंगे फाइनल की। एक ही घर से दो बलि चाहिए यहां पे आपको? डिजिटल स्कोर कौन हैंडल करेगा वो आगे आ जाओ भाई, डिजिटल स्कोर के लिए अमित सुराना तो वहां एम्पायर था राइट, ओके टॉस, टॉस फाइनल का टॉस। श्रीनाथ और मुनेश, राजेश ड्रोन कैमरा ऊपर गया था क्या तुम लिखी बात? टॉस, टॉस हो गया क्या? हाँ ड्रोन के लिए, ओके ड्रोन से सिक्का गिराया जाएगा, सिक्के को ड्रोन के ऊपर रख दें, ऊपर से गिरेगा। अरे नहीं यार, नहीं नहीं वो उसका टॉस के लिए खाली वो रिकॉर्डिंग करेंगे। स्टार्ट, टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ा गेम डिले हो रहा है। आप ड्रोन को ही क्यों नहीं उड़ाते, अगर सीधा गिरेगा तो बैटिंग, उल्टा गिरेगा तो? बहुत महंगा है भाई ये टॉस, बहुत महंगा पड़ेगा, रहने दो, बैड आइडिया। ठीक है सिक्का लेके जाओ। किसी ने सोचा है तो सोचे कि आगे करने की सोचे नहीं, इसके लिए मैंने स्टॉप कर दिया उधर ही। क्या हो गया, उड़ नहीं रहे? सिक्का नहीं उड़ रहे क्या भाई लोग? ड्रोन से बॉलिंग हो सकती है क्या या फील्डिंग हो सकती है? तो हम श्रीनाथ के लिए फील्डिंग करवाएंगे ड्रोन से, बॉल वहीं जाती है जहां तक वो जा सकता है। ये इतने लोग क्यों है टॉस के लिए वहां? सिक्का बहुत भारी ऐसा है। लग रहा है बड़ा घंटा बजा रहे हैं। ड्रोन के कैप्चर में आने के लिए प्लीज वहां मत खड़े रहें, वहां पहुंचने के लिए आपको खेलना पड़ता है, तो सिर्फ ओनर्स और कैप्टन्स। एमपीएल के इतिहास में पहली बार ड्रोन से कैप्चर होगा, इसके पहले आपने अपनी शादी में देखा होगा बस इसको, अगर पहले हुई है तो ये भी नहीं था तभी, रिसेंटली शायद नितिन ने देखा हो।
बढ़िया है। हाँ बहुत ही बढ़िया, तालियां। और ये सिक्का जाए जा रहा है, रुक नहीं रहा है। ये वाइल्ड ने शायद टॉस जीता है और बॉलिंग ली है। वाइल्ड उठ जाओ, वाइल्ड उठ जाओ, अपनी वाइल्डनेस दिखाओ, शिकार करो, शिकार करो, शिकार, सैवेजिंग। नहीं नहीं, झंडा सबका रहेगा कल तक। सावला सैवेजेस, मैच के बाद हर टीम अपना अपना झंडा वापस लेके जा सकती है। टॉस जीता वाइल्ड एंड बैटिंग बॉलिंग लिया, पर कभी लाता नहीं है। जरूर जरूर, हमारे माननीय चेयरमैन बी विंग के श्री सुनील कृष्णन काफी टाइम से मैच देखते हुए, नेक्स्ट टाइम ओनर बनने की प्लानिंग है शायद उनकी, तो एक तालियां हो जाए उनके लिए भी। बगल में जाने दो, वो बोलूंगा तो फिर मेरे पे भी आएगा लोग। बच्चे को ले सकते हो श्रीनाथ, आप बच्चे को लेके जाओ, यही लोग आगे खेलेंगे जब आप बुड्ढे हो जाओगे। अगले साल से आपको लास्ट ओवर ही सिर्फ खेलने को मिलेगा, पहले आप ओपनर नहीं उतर सकते हो, मोरल डाउन करते हो आप ओपनर उतर के। निकुंज की टीम ऑलरेडी कोमा में जा चुकी है, डीडी अमय जोशी, कितने फोटो खिंचाओगे आप, कितने फोटो, हर साल आपकी फोटो होती है सर, लोगों को लगेगा कि ये आप जबरदस्ती फेसबुक के लिए करवा रहे हो। वेरी नाइस, तालियां हो जाए, बहुत बढ़िया पोज है, विद द किड इन सेंटर एंड द कप इन सेंटर। ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स, मे द बेस्ट विन एंड वर्स्ट लूज। यार वो रनर सब का भी कप ले गए होते, वो भी तो दोगे कि नहीं किसी को, तो वो बाद में वो भी तो किसी को मिलेगा, दोनों टीम को बैठाए हो तो इसलिए दोनों ले ठीक है, हम ये ले जाते फिर वो खेलते रहे, हम अपनी ले जाते हैं। राजेश सुवर्णा ने 10 साल पहले ऐसा कप हाथ में पकड़ के खिंचाया था फोटो, आज भी वो टीम ने पीयूष मारू की सर्विसेज मिस की और उनका एक और प्लेयर नहीं खेला क्योंकि वो पूछता रहा मारू मारू, उनका मैनेजर
तो किसी ने आवाज ही नहीं दी कि मार। लेकिन ये रहता तो थोड़ा बॉलिंग में स्ट्रांग होता। तो लेट्स स्टार्ट। कुणाल अडक बॉलर है। सुजीत और मुनेश। पहला ही चौका। ये शानदार शुरुआत हुई है बट थोड़ा सा पांव में ग्लिच लग रहा है। बढ़िया शॉट। हमारे फिजियोथेरेपिस्ट दौड़ के जाए जरा सा। विजय फिजियोथेरेपिस्ट प्लीज जरा जाए, मुनेश के पांव में चोट लगी हुई है। डिजिटल स्कोर बोर्ड पे अमित सुराना। ओके तो जरा टैली करते रहना पीछे। पहला फोर तो मार लिया लेकिन उसके बाद एक छोटी सी तकलीफ पांव में मुनेश के। हमारे पास दो डॉक्टर है। दो डॉक्टर है, दोनों में से कोई जाने को तैयार नहीं है, चुपचाप बैठे हैं। अरे तेरा जनरल में एक बैठा हुआ है, वो फिजिशियन है जनरल, उसके पास लोग डिस्पेंसरी पे आएगा तभी ट्रीटमेंट देता है, तेरा इमरजेंसी वाला है। हाँ अरे तू तेरे डिस्पेंसरी पे जाना पड़ता है, इमरजेंसी में ये आता है। बैट्समैन मुनीश ने पहले ही बॉल पे चौका मारा है। यहाँ बातें चल रही है कि जीतने के बाद कौन सा ओनर पार्टी देगा या नहीं देगा, कौन ज्यादा दिलदार है। हम उसी का सपोर्ट ज्यादा करेंगे यहाँ से। फाइनल में लोग ऐसे ही बोलते हैं कि भाई पहले से ही प्रॉमिस किया था कि चार मुर्गा और पहले से बताया गया था, उसी को जिताएंगे। मुनेश की एक दिन की छुट्टी मंजूर की गई है यहाँ। अगर वो 20 रन बना के जाएंगे तो 2 दिन की मिलेगी। ये सही में एक्टिंग थी क्योंकि अगले ही बॉल फिर चौका। बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन बाय मुनीश। बढ़िया फील्डिंग, वेरी गुड फील्डिंग। व्हाइट प्लस वन। इट्स अ नो बॉल कॉल्ड बाय अंपायर। रिव्यू, तुरंत रिव्यू आ गया है। रिव्यू में सिर्फ थर्ड अंपायर। रात में अगर इमेजेस क्लियर नहीं होंगी तो अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन, ध्यान रखना। ये पहले से हम बता दे रहे हैं बाद में कोई कंट्रोवर्सी ना हो, अगर इमेज क्लियर नहीं हो, फुटेज क्लियर नहीं होगी तो अंपायर डिसीजन वुड बी फाइनल। नो बॉल के लिए अगर रिव्यू लिया जाएगा तो बहुत भारी पड़ेगा।
अंपायर्स रिव्यू ले रहे हैं नो बॉल का. बहुत देर तक रिव्यू चल रहा है, इससे गेम का मोमेंटम ब्रेक होता है, तो जहां तक हो सके अंपायर के डिसीजन पे को फॉलो करें. बॉलर ने नो देने के पहले ही बोला था नो नहीं है. कुणाल अड़क काफी कड़क अपनी बॉटिंग में. अरे गड़ा 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 हैज राइट नाउ बीन अड़ा. और सचिन भाई थोड़ा टिप्स लेते हुए, सुबह से टिप्स ले रहे और अब उनकी टीम डायरेक्ट फाइनल में, और वो भूल गए कि पीछे उनकी टीम हडल ले रही है. ओके अब चले गए धीरे, थोड़ा साइकिल साइक्लिस्ट. ओ थोड़ा लेट गणपति का याद आया, बट ओके ठीक है अभी मैच स्टार्ट ही हुआ है. हाँ ओके कुछ क्लियर मिला भाई. और हमारे प्रीतेश भाई भी है और सूर्यकांत भाई भी है. ओहो सूर्यकांत भाई अंपायर लग रहे डेब्यूटेंट. और जोरदार तालियों से स्वागत करें प्रीतेश आहूजा का. फाइनली जिस आदमी का 10 मुल्कों की पुलिस जिसको ढूंढ रही थी मेरे पीछे बैठा है. वो कल शाम तक अप्रूव्ड थे, कंफर्म थे और एज यूजुअल सुबह चले गए. ओके नो नहीं है कैंसल. नो कैंसल. कुणाल गड़ा अपने जिद पे अड़ा और बराबर अड़ा. डॉट बॉल. चलो ठीक है ठीक है. इसके बीच में वाइल्ड ओवर जस्ट रिचार्ज हो चुकी है. ये रिव्यू इसीलिए है. साइकिल को थोड़ा ब्रेक मार दो. बॉल्स कितने हुए? 4 बॉल 10 रन. बढ़िया फील्डिंग करणजीत जो सिंग इज किंग बन के आए. ये 3 रन बढ़िया शॉट. 3 रन 13 हुआ 13 हुआ ना पहले ओवर. 13 रन 13 रन पहला ओवर. बढ़िया खेल है भुवनेश. ये जितने लोग भी बैठे हैं जरा अपना पिछवाड़ा संभाले बराबर. जरा ये गलत व्यू मिल रहा है यहाँ. धन्यवाद. बढ़िया 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 बॉल बढ़िया बैटिंग बढ़िया फील्डिंग. डॉक्टर चिन्मय ऑन फायर. बढ़िया बॉलिंग. यार एक बोतल में पानी भर के ले आना हमारे लिए. बढ़िया शॉट भुवनेश का. 2 रन है कि 3 है? 2. बढ़िया फील्डिंग. डॉक्टर चिन्मय बढ़िया बॉलिंग और फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए. चिन्मय की लास्ट एक ईयर से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है. लास्ट एमपीएल भी अच्छा रहा है. इस भी कोई खास वजह? 17 हुआ और प्लीज. इस ओवर में सिर्फ 4 रन आए, 17 रन हो गए 2 ओवर में. फाइनल है ये, 7 ओवर का मैच है, ध्यान रहे.
छह ही है फाइनल भी, ठीक है भाई छह है। यार इतना बड़ा फाइनल है, छह ओवर का ही मैच है, ध्यान रहे। निर्मल आपका रीयूनाइट 93 फुटबॉल प्लेयर्स प्लीज साइड, आपका फुटबॉल दिख रहा है पीछे से, थोड़ा साइड प्लीज, थैंक यू। बढ़िया बॉल, वाइट बॉल, लेकिन बढ़िया शॉट, तीन रनों के लिए। अरे अभी तो टोटल स्कोर भी 20 नहीं हुआ। मुनेश 18 पे, ये एक रन के साथ 18 पे पहुंच चुके हैं मुनेश। मुनेश उसका 18 हो गया है, आ जाओ इधर जरा चेक कर लो। मिस किया, बढ़िया फील्डिंग, वेलकम बैक सर। बढ़िया, दो रन चुरा लिए, नो भी था ये और नो प्लस टू। बढ़िया फील्डिंग, एक रन सुजीत का। ये अमित, वो ठीक है, इसका स्कोर पॉसिबल नहीं यार, आगे 17 है। एक मिनट होल्ड करना, 18 ठीक है, चलो एक डाल लो। मुनेश का इंडिविजुअल स्कोर पे थोड़ा डिस्कशन हो रहा है कि फाइनल क्या हुआ, 18 रन हुआ है मुनेश का। मुनेश जिगर भाई देख लो ना, 18 रन हो गए टोटल स्कोर 27। एक तीन रन गलती से उसने सुजीत के इसमें अकाउंट में डाल दिया था, वो मुनेश में जाना चाहिए बस, और बाकी सब ओके है। ओके चलो लेट्स प्ले, 18 फॉर मुनीश, 18 रन। हो सकता है बाद में कर देंगे अपन, हाँ बाद में कर देंगे, नहीं नहीं वो अपन ठीक कर सकते, उसको हटा के इस पे डाल देंगे, अभी रहने दो, अभी चलने दो, बाद में ठीक करेंगे। लास्ट बॉल, इधर रुद्र लिख, क्या हुआ, अच्छा ओके ओके सब तो इधर ही है। मम्मी जन्म को
निकुंज लेके आप स्कोर जल्दी। निकुंज अमित बाहर आओ यार जल्दी, व्हाट आर यू डूइंग? टाइप करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना जल्दी। हाँ डाउट है, ओके ओके। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। बढ़िया बॉलिंग, वन डिक्लेयर। थ्री ओवर्स 28 रन्स। मुनीश 19, नेक्स्ट बॉलर नितिन। ओके प्लस वन बो, वेरी गुड बॉलिंग नितिन एट इज बेस्ट। यॉर्कर king of the wild dodgers started with wide but taken the wicket in the next ball. Right kiddo, thank you. और हमारा नेट इंजर्ड हुआ है, नेट बुरी तरह नेटफ्लिक्स हो गया है। बढ़िया बॉलिंग ओ नो था निकुल भाई, ओके नो था, नो था, थोड़ा नो होल्ड डाउन प्लीज कैन गिरीश इफ यू कैन स्टैंड प्लीज प्लीज प्लीज, हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा नो है कि नहीं। वेट वेट नितिन जस्ट होल्ड, वो सामने कौन है? सुशन भाई, ओके ओके चलो प्ले प्ले, जरा बताओ स्कोर्स। नो कैंसिल मुनीश 20 रन, तालिया। फाइनल में 20 रन बनाकर बाहर गए हैं। और शायद अच्छा बोनस मिल जाएगा मुनीश को, क्या बात है। फील्डिंग डॉक्टर, बढ़िया फील्डिंग बाय वाइल्ड वॉयजर्स। और चार ओवर 36 रन्स। और एक प्लेयर
लड़का है, घूम रहे हैं पोदार स्कूल के, पोदार जंबो किड्स के। भावेश भाई 36, 4 ओवर 36। भावेश भाई मांगते करके बीच में आ रहे हैं कि उन पे अटेंशन जाए कि उन्होंने ड्रेस चेंज करके आया है, फुल तैयारी में आए हैं जैसे ट्रॉफी जीता है। शानदार शॉट बाउंड्री पे, बाउंड्री ओ गुड फील्डिंग। ओ शानदार बॉलिंग, जाओ जाओगे श्रीनाथ को पाओगे। ओ निकेश एट इट्स बेस्ट, 5 ओवर 45 रन्स, लास्ट ओवर ओके पावर प्ले लिया है। नए बॉलर है सचिन खुले, इनको हमेशा टेंशन देके लास्ट ओवर देते हैं और वो डिलीवर भी करते हैं। बढ़िया फील्डिंग का, बढ़िया फील्डिंग, बॉल डेड हुआ है। निकेश भाई गार्डन में घूम रहे, रिव्यू किसके लिए? व्हाट इज द फाइनल रिव्यू लेना है या नहीं? ओके टेक योर टाइम विजय भाई, क्या है हम लोग कभी जाएंगे भाई, हम लोग अभी कुछ नाइट में कुछ प्रोग्राम्स होते हैं 5 बजे सुबह। डॉक्टर साहब कोई अच्छी सी गोली दे दो कि फटाफट खत्म हो जाए और गेम आगे बढ़ाया जाए। जल्दी जल्दी मैच आगे बढ़ाया जाए। सब लोग क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? व्हाई एंटायर टीम इज स्टैंडिंग विद अंपायर? इज इट अ रिव्यू निकुंज? या नो बॉल का रिव्यू देखना है। ओके सब लोग मत खड़ा रहो, एक ही रिव्यू लो दोनों में से। पहले निकुंज रिव्यू किसके लिए लिया है पूछ लो ना।
वो लोग बोल रहे हैं नो डाउट नो एक मिनट जस्ट बाकी के प्लेयर्स प्लीज तुम लोग पीछे जाओ लेट द कैप्टन क्या क्या चाहिए ही वॉज आउटसाइड अंपायर ने नो बॉल के लिए रिव्यू लिया है भाई एक मिनट एक मिनट एक मिनट Let's play. No, no का review है ना? You are taking a no का review. Umpire ने लिया है. Okay, चलो. No ball पे. और हमारे जगह पे हड़प कर दिया है सुवर्णा ने. आज सुवर्णा फॉर्म में है. आज पार्टी सुवर्णा की तरफ. Commentators को नीचे बैठना पड़ रहा है. अगर दो चेयर यहाँ मिल जाए तो please. कोई जाने वाला हो तो वो चेयर देके जा सकता है हमें. घर जाने वाला हो तो दो चेयर चाहिए यहाँ दोनों कमेंटेटर्स की चेयर गायब हो चुकी है ओके बट जिगर सावला हाउ कैन यू गो टू द रिव्यू रूम हाँ ओके जिगर सावला बाहर थे बाहर से देख रहे थे खुश हो गए नो के लिए और अंपायर व्हाट इज द फाइनल आगे का पैर का नो था क्या ओके अभी कितना रन है प्लीज एक मिनट कितना रन वन प्लस वन है ना नो ओके नो प्लस वन लेट्स प्ले डिजिटल थोड़ा बैकलॉग है सचिन भाई पे फिर से टेंशन लास्ट 47 बॉल कितना हुआ पहला बॉल स्टार्ट कर रहे हैं सचिन कुले ओके ओके डॉट बॉल बढ़िया शॉट शॉट ऑफ द फाइनल बुलेट ये सब फाइनल के प्लेयर्स हैं शानदार फील्डिंग डॉट बॉल अनदर डॉट बॉल सुपर बॉलिंग ओह क्या बात है बहुत ही बढ़िया बॉल शानदार बॉलिंग बेस्ट बॉलर के लिए रिकमेंडेड एक तो लास्ट ओवर देते हो और वो भी पावर प्ले और आरुष आया है लास्ट टू बॉल्स टू गो फाइनल्स के लास्ट टू बॉल्स अरे वाह जगह दैट्स आउट क्या बात है क्या बॉलिंग है सचिन खुले ने पूरा मैच घुमा दिया है टिप्स काम में आया है शायद और ये नितिन की स्ट्रेटजी थी कैच छोड़ने की बैट्समैन नेम प्लीज धीरज ये वही सब है जो आपने कर्म किए एक साल से साफ करो उसको निर्मल भाई की एक ही इच्छा थी कि वो एक ही टीम को सिर्फ हरा दें मराठा वॉरियर्स को हराना चाहते थे क्योंकि उन्हें जलील किया गया था फोटो सेशन में और वो उनकी इच्छा पूरी हुई है इच्छा पूरी हुई है निर्मल भाई की और वीडियो में मेन बॉलर बन के आए हैं
और इतना पावर है उनका कि वीडियो में मालूम पड़ा वही दिख रहे हैं, तो ये उनका आरोप गलत था एक्चुअली। ओके एमपीएल 2020 फाइनल्स, लेट्स प्ले। आतिशबाजी चालू होते होते रह गई। बढ़िया, दो डॉट बॉल। हाँ बढ़िया है, गुड बॉलिंग, बढ़िया फील्डिंग बाय आरुष। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, दीवार चट्टाने रखी है पीछे बाउंड्री पर। बहुत बढ़िया, ये आज 10 साल में पहली बार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं बट टाइम पे कर रहे हैं, सही टाइम पे। प्राउड ऑफ यू तिवारी, ज्यादा प्राउड मत करो, पहले खत्म मैच का ओवर होने दो। व्हाइट प्लस वन, बढ़िया शॉट, फिर भी एक लगा दिया, बट बहुत ही बढ़िया तिवारी जी का ओवर। ये पहले बॉलर है जो पहले ओवर में सिर्फ एक ही चौका खाए श्रीनाथ के अगेंस्ट में, 7 रन 1 ओवर, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग फाइनल वाली। डॉक्टर चिन्मय ऑन स्ट्राइक और बॉलर है मुनीश। डॉक्टर चिन्मय वर्सेस मैनेजर मुनीश। सर थोड़ा साइड प्लीज, लोकेश थोड़ा साइड करना, संदीप अंकल साइड प्लीज, सर थोड़ा साइड प्लीज। बच्चे लोग नो प्लस वन, और ये खुशी देखिए, बढ़िया कैप्टेंसी बोली जाएगी इसमें, उन्होंने अपना बेस्ट बॉलर पहला ओवर दिया, परफेक्ट बॉलर को देके फ्रस्ट्रेट किया और फिर अगले ओवर में पहली बॉल पे विकेट, बहुत बढ़िया कैप्टेंसी। पहली बार श्रीनाथ भाई आउट, ये टूर्नामेंट में फर्स्ट टाइम आउट हुए शायद वो, बाकी सारे मैचेस में 20 पे रिटायर हुए थे और फाइनल में जब जरूरत थी। अब सारा दारोमदार करणजीत पर, क्या बात है, क्या बात है, फील्डिंग गो, बढ़िया, ऐसी फील्डिंग जॉन्टी ने भी नहीं की होगी। किरण साहब के लिए तालियां हो जाए
वाइट बॉल बैट चेंज करेंगे जैसे हमने बॉल चेंज की थी टेनिक्स वाला बैट मत लो थ्री टू गो और सिक्सर वाला क्या बात है सिक्सर वाला बैट लेके मुनेश की बॉल पे सिक्सर मार दिया है बॉल सिक्सर था बैट सिक्सर वाला नहीं था जिगर भाई के खुशी खुशी दिख रही चेहरे पे उनके गाल गुलाबी होते हुए और कप दिखाई दे रहा है आते हुए हेलो और पार्टी क्लब हाउस में होगा शायद ढोकला खमन विदाउट ओनियन खिचड़ी अचार हम सोच रहे कि हम पार्टी करें और आपको बिल दे दें पापड़ भी मांगता है हमें पापड़ जी है Well played. बढ़िया शॉट बढ़िया और हरी भाई आ गए हाँ सर मैं आ गया दो और ग्यारह रन मुनीश ने शानदार बॉलिंग डाला है तालियां बजनी चाहिए दोस्तों और दो बड़े प्लेयर्स को बाहर किया है जो नासूर बने हुए थे दूसरे टीमों के लिए जो खुद नासूर बन गए अपनी टीम के लिए भी दोनों और उससे ज्यादा तालियां तिवारी जी के लिए बजनी चाहिए तिवारी जी ने जो पहला ओवर डाला है वो गेम चेंजर था बॉल तीन डॉट डाले हैं और फील्डिंग भी तगड़ी की गई है उसमें पिच में ड्यू हो रहे हैं ड्यू है ना उन्होंने कबीर सिंह को चाहिए करके बैट बराबर नहीं दिया निकेश तीसरा ओवर डालने आ रहे हैं ये लोग डायरेक्ट फिनिश करना चाहते हैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे और इंजर्ड हो गए हैं सिनर्जी ये शायद पहली बार होगा कि बॉलर भी कीपर तक पहुंच गया था बढ़िया फील्डिंग दीपेश द्वारा व्हाइट प्लस वन व्हाइट इससे बुलेट किसने डाला नहीं होगा अब तक ये इसको बोलते हैं फील्डिंग क्या बात है क्या फील्डिंग है धीरज ऐसी खतरनाक बॉलिंग पे ऐसी खतरनाक फील्डिंग अगर मिलेगी तो रन कैसे बनेगा भाई कैसे मारेंगे साइड एक्सक्यूज मी
करेक्ट अर्नव साइड साइड प्लीज अनुज भाई हाँ शानदार स्क्वायर कट समझदारी से खेल रहे हैं वंडी वंडी और तीन ओवर 18 रन तीन ओवर 18 नेक्स्ट तीन में 35 चाहिए तीन ओवर 35 रन एक एक डेंजरस बॉलर ढूंढ के ला रहे हैं एक बॉलर जाता है तो दूसरा डेंजरस बॉलर आता है ये कैसे मारेंगे डॉक्टर मार सकते हैं डॉक्टर मार सकते हैं या कब बुझेगी डॉक्टर 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 मारेगा कुछ नहीं मारेगा जरा साइड प्लीज बाबू गुड शॉट बढ़िया शॉट बढ़िया शॉट नेक्स्ट एमपीएल की प्रैक्टिस एक एक रन नो आउट व्हाइट बॉल था ये व्हाइट बॉल था नितिन जितने जल्दी आगे गए उतने ही जल्दी पीछे भी आ गए कीपर भी ढूंढ के निकाला है जिगर भाई ने एक से एक डेंजरस प्लेयर बहुत बढ़िया शॉट बहुत क्या सेलिब्रेशन है बच्चे का वाइल्ड जबरदस्त वाइल्ड वॉयजर्स और सरेंडर करते हुए अब मेन बैट्समैन आए हैं शायद थोड़ा लेट आए हैं लीगली लेट हुआ लीगली लेट आए नहीं नहीं केस सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वो आए हैं शॉट लीगली मारते देखिए कौन है एक डॉक्टर और एक लॉयर एक लॉयर एक वकील जब एक लॉयर बोलेगा दोनों मिलके जंगल घूमने गए वाइल्ड वॉयजेस नाइट सफारी करने गए दोनों गुड शॉट फॉर नो रन ये देखो ये क्या चल रहा है ओनर भी ओनर पीता है ये चीता भी पीता है वैसा सीन है ये तो इनका थोड़ा वाइट बॉल रेयर वाइड सब यॉकर शानदार बॉलिंग आरुष की तालियां बजनी चाहिए दोस्तों स्कोर क्या हुआ चार ओवर के बाद 22 रन अब अगले दो ओवर में 22 रन हुए हैं 22 दो ओवर में कितना बनाने 31 सिर्फ चार रन दिया है अब तो बॉलर को ही कुछ कमाल करना पड़ेगा बैटिंग टीम के लिए तभी कुछ हो पाएगा